चलिए बच्चों, अब पाठ के आधार पर हम कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। निम्नलिखित खाली स्थान को पूरा करो। पहला, हरियाणा में खूब डैश है और इसके ऑप्शन हैं हरियाली, रेत। प्यारे बच्चों, हरियाणा हरियाली का राज्य है। हरियाणा में खूब हरियाली देखने के लिए मिलती है, तो इसका सही ऑप्शन है हरियाली। दूसरा, राजस्थान के लोग हिंदी और डैश भाषा बोलते हैं और इसके ऑप्शन हैं उर्दू, मारवाड़ी। प्यारे बच्चों, राजस्थान में उर्दू नहीं बोली जाती, वहाँ पर लोग अधिकतर हिंदी और मारवाड़ी भाषा बोलते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है मारवाड़ी। तीसरा खाली स्थान, नदियाँ पर्वतों से निकलकर डैश की ओर बहती हैं। प्यारे बच्चों, नदियाँ पर्वतों यानी पहाड़ों से निकलती हैं और मैदानों की तरफ बहती हैं, तो इसका सही ऑप्शन है मैदानों। अगला खाली स्थान है, हरियाणा के लोग सिर पर डैश पहनते हैं। प्यारे बच्चों, हरियाणा के लोग सिर पर पगड़ी पहनते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में पगड़ी और परना है, तो सही ऑप्शन है हमारा पगड़ी। अगला खाली स्थान है, केरल डैश सागर के तट पर स्थित है। ऑप्शन में है हिंद सागर और अरब सागर। तो प्यारे बच्चों, केरल राज्य के साथ अरब सागर लगता है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका अरब सागर, क्योंकि केरल अरब सागर के तट पर स्थित है। अगला खाली स्थान है, कटहल के वृक्ष डैश में पाए जाते हैं। ऑप्शन में है राजस्थान और केरल। प्यारे बच्चों, कटहल के पेड़ ज़्यादातर केरल में पाए जाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है केरल। अगला खाली स्थान है, कश्मीर के लोग डैश भाषा बोलते हैं। अब कश्मीर के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? यहाँ ऑप्शन में है कश्मीरी और अरबी, तो इसका सही ऑप्शन है कश्मीरी। कश्मीर के लोग कश्मीरी भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट खाली स्थान है, डैश को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन में है ऊंट और हिरन, तो प्यारे बच्चों, रेगिस्तान में रेत पर ऊंट पशु बहुत अच्छे से चलता है, इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन है ऊंट। अगला खाली स्थान है, हरियाणा की स्त्रियाँ अधिकतर घाघरा ओढ़नी तथा डैश पहनती हैं। प्यारे बच्चों, ऑप्शन में है सलवार कमीज और लहरिया लहंगा। तो आपने पाठ में पढ़ा कि लहरिया लहंगा राजस्थान की औरतें पहनती हैं, तो हरियाणा में घाघरा ओढ़नी के साथ साथ सलवार और कमीज भी अधिकतर महिलाएं पहनती हैं, तो यहाँ पर सही ऑप्शन है सलवार कमीज। अगला खालिस्तान है, सूरज डैश दिशा से निकलता है। प्यारे बच्चों, ऑप्शन में है पूर्व, पश्चिम। तो आपने पाठ में भी पढ़ा है कि सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, तो इसका सही ऑप्शन है पूर्व। अब इन सभी खाली स्थानों को आप अपनी कॉपी में लिखें और इनके सही विकल्प भरने के बाद अपनी अध्यापिका से चेक कराएं।